अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे बैरागी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पापलेट मच्छी, जो कि इस तरह के थे, हमने साफ करके रखा है। ये मच्छी है कुछ 6 से 7 पीस। उसके लिए हमको चाहिए लाल मिर्ची 1 चम्मच, ज़ीरा और धनिया का पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार आपके हिसाब से 1/2 नींबू, और ये चिकन मसाला पैक। हम मच्छी के लिए मसाला बनाएंगे। इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा धनिया और हल्दी का पाउडर। साथ ही में हम डालेंगे चिकन मसाला, जो कि आपको दुकान पे आराम से मिल जाएगा। साथ ही में डालेंगे इसमें 1/2 नींबू। नींबू का रस 1/2 डाल दीजिए। इसके साथ में नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। अच्छे से मिक्स करके इस तरह से मसाला पूरा मच्छी में अच्छी तरह से लगाइए। हमने जो चिकन मसाला लिया है, आपको ज़रूरी नहीं है चिकन मसाला लीजिए, दुकान पे फिश मसाला भी मिलता है, मच्छी का मसाला, आप वो भी डाल सकते हैं। हम लोग के घर में ये मसाला पसंद आता है तो हम यही डालते हैं। इसको अच्छी तरह से मसाला पूरा लगाइए। इस तरह से हम सारी मच्छियों में मसाला अच्छी तरह से लगा लेंगे, ताकि किधर से भी मसाला छूटे नहीं। आप ये ध्यान रखिए, मच्छी तलने टाइम ये आइस निकाल दीजिए आँख, क्योंकि तलने के टाइम आँख बहुत फूटती है। आप निकाल देंगे तो फूटेगी नहीं, ना आपके ऊपर तेल उड़ेगा। इस तरह से सारी मच्छी को मसाला लगाने के बाद उसको हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम मसाला लगा के 1/2 घंटा मैरिनेट करने रख देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से पूरी फिश में लग जाए। पूरी मच्छी को मसाला लगा के 1/2-1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से पूरी मच्छी में अब्सॉर्ब हो पाए। करके उसे पैन रख के तेल डाल देना है मच्छी को फ्राई करने के। मच्छी को हम लोग ने मसाला लगा के 1/2-1.5 घंटा हो चुका है, 1 घंटा भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। रेस्ट देके तेल गर्म होने पे मीडियम रखना, ज़्यादा पास में रखना, वरना मच्छी जल जाएगी। तो अच्छी तरीके तड़क कर मच्छी को देखना, जो तरह से अच्छी फ्राई होने पर वो लो करके आँच को अलग देना आँच से। मच्छी को इस तरह से कड़क करके जब दोनों तरफ से इस रंग से आ जाए और जिस कड़क होने लगे तो उसे प्लेट में निकाल दीजिए। मच्छी को फिश को प्लेट में निकाल दीजिए।
हाँ।